अस्सलाम वालेकुम, बी एस उर्दू अंसा आर्टिस्ट का चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों की सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजर रही है। आज का जो ट्यूटोरियल है वो दरअसल इसमें सिर्फ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखूँगी। ये मेरी दोस्त थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ये चार्ट बना के दें, तो फिर मैंने ये पहली बार ट्राई किया, अच्छा बन गया। देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं। पहले मैंने डबल पेंसिल के साथ आउटलाइन इसकी तैयार कर ली है, कंपोजिशन बना ली है ताकि वो गलती ना हो जाए। अब देखें आउटलाइन को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये वैसे भी टक के साथ भी लिखा जा सकता है, क्यों थोड़ा सा मार्कर किंग का मसला था मेरे साथ, वो थोड़ा सा फीका था तो उसका कलर अच्छा नहीं आता। फिर मैंने आउटलाइन करना शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैंने बाद में इस पर फीलिंग कर दी, तो वो कलर गहरा था तो ज़्यादा बेस्ट लग रहा था इस वजह से। दरअसल मुझे खुद जो है वो वाइट पर रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है, और वाइट पर हमेशा वाइट के साथ रेड या ब्लैक का जो कंट्रास्ट होता है वो वाकई ही जचता है, तो इस वजह से मेरी ज़्यादा च्वाइस वाइट पर ही होती है। वाइट और रेड और ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल कर लूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा, ये नहीं कि मैंने फुल वीडियो नहीं बनाई थी, इंशाल्लाह मैं जो भी ट्यूटोरियल आते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक पॉइंट को बताऊँ। ये मैंने बिस्मिल्लाह लिख लिया था तो अंदर फीलिंग करनी है इसमें। ये फिर आगे इस वीडियो का अगला जो पार्ट आएगा वो आपको पता चलेगा कि क्या मैंने इसके साइड पर क्या लिखना है और कैसे इस पूरे चार्ट को मैंने कंप्लीट करना है। ये मेरे लिए वाकई मुश्किल था। ये काफ़ी पहले का ट्यूटोरियल है, जब मैंने इतना काम नहीं किया था तो उस वक्त मेरे लिए मुश्किल थी कि हाय इतना बड़ा चार्ट है तो मैं इसे कैसे मुकम्मल करूँ। ये हर एक न्यू बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है, मेरे लिए भी होती है। अभी भी मैं बिगनर्स ही हूँ, लेकिन फिर भी काम अच्छा हो गया था और बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया गया। जेन्युइनली मुझे खुद ये पसंद आया था। इंसान कोई चीज़ तैयार करता है तो उसे पता होता है कि क्या कौन सी चीज़ है जो मेरी सही बनी और कौन सी नहीं। खुद अगर कोई गलती भी हो गई है तो खुद अंदाज़ा इस बात का होता है कि यहाँ मेरी कोई गलती हो गई है, तो इस वजह से इंसान को खुद पता होता है। मुझे ये खुद अच्छा लगा था। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं भी कोई गलती है तो ज़रूर बताया करें ताकि मैं उसे बेहतर कर सकूं।
यहाँ तक तकरीबन थोड़े से मिनट आगे तक ये आधा ट्यूटोरियल है, लेकिन आगे ही ये फुल वीडियो है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज ही मैं फुल वीडियो इनके साथ शेयर कर दूँगी, तो वो फुल वीडियो है। आगे आप देखिएगा कि मैं क्या लिखती हूँ, कौन सा सूरा लिखती हूँ, अल्लाह के नाम लिखती हूँ, तो वो आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखने वाली हूँ मैं। अब ये भी मैंने पहले ही लेड पेंसिल से लिखना रख दिया था। ये अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये सर्कल मैंने बड़ी मुश्किल से हाथों से लगाया, क्योंकि मेरे पास जो प्रकार है वो बड़ी नहीं है, चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कि मैंने हिम्मत हारी कि ये काम हो नहीं सकता, तो मैंने कर लिया और बेस्ट हो गया था। अब देखें, ये मैं लिख रही हूँ सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये मैं अब पूरी इसमें लिखूँगी, इसके राउंड शेप में इसे लिखूँगी तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि दरमियान में मैंने ये किया था कि नहीं, रेड का मैंने टच दिया देना है, रेड का टच दिया और साइडों पर ब्लैक में लिखना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो देख के आपने ज़रूर बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो रह गई है या कहीं कमी पेशी रह गई है, तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि अल्लाह के नाम को जितना शेयर किया जा सके उतना कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और रमज़ान गुजर चुका है, उम्मीद है कि सबका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। ईद के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो ईद है वो कैसी गुजर रही है।